अगर मैं रूस जाऊं तो मुझे मनाने आता है मेरा कान्हा। मैं जंगल में आके जब बसी, उससे पहले मैं दीवानी थी, ये जंगल में मैं आके बसी, यहाँ उजाड़ था, आज आप देखो चमन है। तो ये मोजा लेंदे थल्ले मलंदे, भूखे में नड़ सियाने, जो सियाने हैं ना वो भूखे मर रहे हैं। जी जी जी। हम तो लड्डू गोपाल के, ये दुनिया को पीतल की मूर्ति लगती है, दुनिया को पागलपना लगता है, पर जो इसके प्यार में पागल है ना, उसको तो ये स्वयं आनंद लगता है। राधे राधे दोस्तों, इस वक्त हमारे बीच में है एक किन्नर संप्रदाय से मुकेश नाथ जी, महंत मुकेश नाथ जी, और इनके लड्डू गोपाल की महिमा भैया मैं शब्दों में तो क्या ही बताऊं। इनका बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानना कि ये छोटी सी मूरत है, इनका मानना ये है कि ये कभी भी बड़े हो जाते हैं, कभी भी इन्हें खाना खिला जाते हैं, रूसते हैं फिर ये मनाती हैं, और तो और जन्माष्टमी के दिन भोग लगाने कोई नहीं आता, इनके पास में लड्डू गोपाल आते हैं। तो मुकेश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ चैनल पर, और हमारी जो है हमारे सौभाग्य है कि आप जैसे वंदित लोग हमारे चैनल पर हैं। तो क्या है इनकी महिमा, क्या है? देखो महिमा का तो मैं क्या वर्णन करूँ, तो पूरा जहान जानता है जी। और मैं निहाल बिहार में रहने वाली हूँ, निहाल बिहार पूरा जानता है कि मैं बचपन की फ़कीर हूँ, और फ़कीरी ऐसे तो ले ही नहीं जाती जी। कुछ दिखा होगा मुझे, कुछ मैंने पाया होगा, जब ही बनी ना मैं फ़कीर। मेरे साथ के किन्नर सभी इधर उधर कर रहे हैं, सब मेरे भाई बहन, मेरी बहनें सब कुमा खा रही है, पर मैं इसके ही लड्डू गोपाल के प्यार में ही बावड़ी। क्यों? क्योंकि लड्डू गोपाल ने मेरे साथ जो करा, मेरे को इतना रूप रंग, इतना अच्छे हर ढंग, अगर मैं रूस जाऊं तो मुझे मनाने आता है मेरा कान्हा, और अगर मैं नाराज हो जाऊं तो मेरे को उंगली पकड़ के नचाता है मेरा कान्हा, और जब मेरा कान्हा मेरे पास आता है ना, मेरे सब देश की बात भूल जाती हूँ कि इस देश के अंदर मैं किन्नर हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं माँ भी हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं दोस्त भी हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं औरत भी हूँ, और इसने मुझे हर रूप रंग से अपना प्यार दिया है, और इसके चक्कर में मैंने फकीरी लेकर मैं बड़े आनंद में हूँ। और मेरे बारे में मैं क्या, जो दुनिया सुन रही की होगी आपके चैनल के माध्यम से, वही लोग बता देंगे कि मैंने क्या, मैं जंगल में आके जब बसी, उससे पहले मैं दीवानी थी, इस जंगल में मैं आके बसी, यहाँ उजाड़ था, आज आप देखो चमन है। तो ये मेरे लड्डू गोपाल ने हर पल पल में मेरा साथ दिया, पूरा निहाल बिहार चंद्र बिहार जानता है मेरे से लड़ने के लिए कौन कौन लोग आए, लठ लेके आए, देखो मेरे लड्डू गोपाल ने उनको अपने आप ही बस चमत्कार दिखा दिए, वो मेरे पास नहीं आए। और इस लड्डू गोपाल की तो मैं क्या महिमा करूँ, जो इसकी महिमा है ना, ये मेरा लड्डू गोपाल मेरा बाबू है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाडला है, ये मेरा यार भी है, ये मेरा, मेरे को संसार से किसी रिश्ते से की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक यही रिश्ता है जो मेरे साथ है, और ये रिश्ता प्रेम का रिश्ता है, और ये रिश्ता भाव का रिश्ता है, ये रिश्ता दोस्त का रिश्ता है, ये मेरा दोस्त है प्यार का, इसकी तो मैं क्या तारीफ करूँ, ये तो मैं तारीफ अपने मुंह से कर ही नहीं सकती। अब मैं आपको क्या बताऊँ, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो तो मेरे मन में उलट उलट के ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। ये तो अगर मैं एक एक आँख बंद करूँ तो एक एक पल में मुझे चमत्कार दिखाता है, मैं इसके क्या चमत्कारों के वर्णन करूँ। देखो मैं अपनी गद्दी से उठ कर कहीं नहीं जाती, पर मुझे यहाँ बैठ के सब कुछ देता है, मैं अपने कुछ हो करके नहीं जाती, मुझे यहाँ बैठ के सब कुछ देता है, मैं बस क्या बताऊँ, मेरे को कुमा के भी यही देता है, मुझे खिलाता भी यही है। लोग बोलते हैं कि भैया तू घंटी बजा ले, तो घंटी बजाने से भगवान खाने को थोड़ी देगा। नहीं नहीं नहीं, वो पागल है, वो पागल है। एक भजन में बताया है, मोजा लेंदे थल्ले मलंदे, भूखे में नड़ सियाने, जो सियाने हैं ना वो भूखे मर रहे हैं। जी जी जी। हम तो लड्डू गोपाल के, ये दुनिया को पीतल की मूर्ति लगती है, दुनिया को पागलपना लगता है, पर जो इसके प्यार में पागल है ना, उसको तो ये स्वयं आनंद लगता है, उसको क्या पता। और जो दुनिया में घूम रहा है वो तो खुद पागल है, हमें पागल बताने वाले तो खुद पागल है, उनको ये पता ही नहीं कि असली दीवानगी है क्या। और दीवानगी तो भाई हर जगह है जी। आंख वालों ने तुझको देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, तेरा देखा है उसने नजारे, उसकी आंखों पे पर्दा, ये हर कोई नहीं देख सकता, उनकी आंखों पे पर्दा है, जिसका पर्दा हट जाता है ना, वो मेरे कान्हा की चमत्कार देख सकता है, मेरे लड्डू गोपाल का चमत्कार देख सकता है, जिसकी आंख पे पर्दा हटा है। और हमने तो पिया है नाम का प्याला, ये अंगूरों की मदरा नहीं है, तो ये हमने नाम का प्याला पिया है, मेरे कान्हा की इतनी महिमा है, इतनी महिमा मैं बता नहीं सकती। आपने कहा जन्माष्टमी, देखो मैं हार्ट की मरीज हूँ, मेरे को डॉक्टर ने जुबान में मैदान था, मैं ऑपरेशन करा रही थी, मैं
21 दिन तक मेहदांता हॉस्पिटल में 21-20 दिन जा रहे, कितने दिन रही, 25 दिन जा रही, 21 दिन ऐसे रही, मुझे याद नहीं, पर मेरा मेहदांता में और मेरे सरकारी कागज भी है। मैं इतनी बात कर रही हूँ, मेरी आत्मा भर रही है, क्योंकि इसने मेरे चमत्कार ऐसे करे। मैं वहाँ और मैं, लोग कह रहे थे कि मैं वेंटिलेटर पे हूँ, लेकिन ये मेरे को वेंटिलेटर पे दुनिया के नज़र में थी, पर ये मेरे से बात करता था, मेरी उंगली पकड़ता था। और जब मैं वापस आई 20 दिन बाद, तो दुनिया कह रही थी हैं, डॉक्टर खुद हैरान था। मैं जानता, मैं डॉक्टर, मेरे कागज है, आज भी मेरा इलाज चलता है, पर जितनी मेरी तगड़ी बीमारी, मैं उससे ज़्यादा सुस्त रहती हूँ, उससे बढ़िया मस्त रहती हूँ, और दुनिया हैरान रहती है कि मैं जी कैसे रही हूँ। मेरे हार्ट में इतना बड़ा छेद था, मैं देखो फिर भी आनंद में रही, मैं तो देखो। और मुझे तो मेरे कान्हा ने प्यार इतना दिया जिसकी कोई हद नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं तुम्हें कैसे बयान करूँ कि इसके प्यार को पाने के लिए उसका बनना पड़ता है, उसके प्यार को पाने के लिए उसमें रजना पड़ता है। अरे पागल हो जाओ, जब ही तो पाओगे। जो लोग कहते हैं नहीं झूठ है, ये वो खुद झूठ है, उनको जीना नहीं आता, उनको उसको पाना नहीं आता। जो इसको पालेगी ना, वो संसार को, ओहो मैं क्या महिमा बताऊँ, मैं लड्डू गोपाल की महिमा बड़ी निराली है, निराली है। बहुत निराली है। कहा जाता है कि किन्नर समाज तो जो है, इनको तो आशीर्वाद है भगवान श्री कृष्ण का। किन्नर समाज को, ये किन्नर समाज का तो आदमी है, आपको मैं इस भाषा में समझाती हूँ, किन्नर समाज का तो ये आदमी है, जिसको कसम कहा जाता है, ये आदमी है किन्नर समाज का। और ये तो प्रेम है, हसी राधा रानी कौन थी, राधा रानी सखी रूप थी ना, हम सखी हैं। ये सखी का देखो, आपने रास रचाते देखा है ना सब जगह, उसकी फोटो भी रास रचाती है, हम भी तो रास रचाते, गली गली में जाते, इसके वरदान से तो जा रहे, इसके आशीर्वाद से। हम जो दुआ बद्दुआ देते, कौन देता है, हमारा मालिक कौन है, और हर आत्मा के अंदर परमात्मा बस रहा, परमात्मा उसका मालिक, आत्मा राधा है, हमारे अंदर जो आत्मा है वो एक है, हम एक से दो तो हो नहीं सकते, हमने तो परमात्मा का रूप दिया है, हमारे अंदर जो परमात्मा का गण है उसी से हम आशीर्वाद देते। ये वरदान मेरे कान्हा का दिया हुआ है, जब भी मेरे भाई मेरी बहनें किन्नर समाज की महिलाएँ आशीर्वाद देते, तो आशीर्वाद उनका फल रहा है। मेरे किन्नर समाज की महिला कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ लखपति है, कुछ करोड़पति है, लेकिन सब मेरी महिलाएं, जितनी मेरी बहनें, सब के ऊपर कान्हा का आशीर्वाद है, सब इसको मानती हैं, सब इसे प्रेम करती हैं, क्योंकि सबको पता है कि राधा रानी किन्नर थी और राधा रानी ही दीवानी थी, राधा रानी के हम उस पर चल रहे, हमारा जो पंथ है राधा रानी के नाम से ही चल रहा है, हम सखी रूप हैं, हमें सखी रूप कहा जाता है, यूपी के अंदर हमें महंत जी कहा जाता है, पंजाब में हमें बाबा जी कहा जाता है, तो ऐसा ही है, ये जगह जगह का है। और दिल्ली के अंदर जैसे हमें बहुत से लोग यहाँ चलते हंसते भी हैं, हंसने वालों को पता नहीं कि हम हैं क्या, ये तो ये सब मेरे मालिक की कृपा है, इसको अगर समझ जाओगे तो आनंद ही हो जाओगे। मैं सबसे कहती हूँ एक बार लड्डू गोपाल रख के तो देखो, तुम्हें पता लगेगा जब लड्डू खाने को मिलेंगे। ये मेरा गोपाल इतने मीठे मीठे चमत्कार देता है ना, मक्खन मिश्री मुंह में देता है, जब खिलाएगा ना, जब पता लगेगा उसका स्वाद। अब मैं अपने मुंह से बोलूँ कि मुझे क्या, मुझे बहुत इतनी मेरे को खुशी हो रही है बताते हुए, आप जो बातें पूछ रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे दुनिया मुझे पागल बोले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, पर मेरा परमात्मा मेरे साथ है, मुझे इससे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हाँ। आपने कहा कि जन्माष्टमी पर आपका जो व्रत होता है वो खुलवाने के लिए एक बालक आता है छोटा। हाँ, अचानक एक बालक आता है, मेरे मुँह में फल डालता और भाग जाता, और मैं काना काना करके उसके पीछे भागती हूँ जी। और ऐसी एक वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपको दूंगी वो वीडियो जी। तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक बच्चा आता है, और देखिए भक्ति है, जो भक्ति जब बढ़ जाती है, जब भक्ति का ऐसा रूप बताया कि भक्ति आपको, अगर आपको आ गई भक्ति, अगर आपने परमात्मा की सही मन से कर ली, तो आपको दर्शन जरूर देंगे। हाँ, मेरे मालिक की कृपा है, जो भाव जानता है उसको दर्शन देता है, जो भाव नहीं जानता उसको दर्शन कैसे देगा। आपने कहा लोग आपको ये भी कह देते थे कि देखो किन्नर समाज से है और ये क्या भक्ति करेगी भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण इस पर प्रसन्न नहीं होंगे, ये तो इस संप्रदाय से है। तो ऐसा कहने वाले जो लोग हैं, अब जो हैं वो इस बात को सुन के उनको कैसा लग रहा होगा? वो अपने आप में पहले बहुत कहते थे जी, आई पागल है किन्नर है, क्या करेगी, कैसे भक्ति करेगी, ये तो ये जात तो गंदी होती है, ये ऐसे होते, बहुत लोग कहते हैं। लेकिन आज वही लोग मुझे कोई माता जी कहता है, कोई मुझे संत जी कहता है, कोई मुझे गुरु जी कहता है, कोई मुझे माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए आता है, बस ऐसा ही कोई दुआ लेने आता है। तो मुझे इस मेरे कान्हा पे बड़ा विश्वास है, मुझे मेरे मालिक पे बड़ा विश्वास है,
उस मेरे मालिक ने मुझे कहते हैं ना मोती था मैं सीप का, मुझे सत शब्द में लगा दिया और दया करी मेरे सदगुरु की, तो मुझे मोलो भाव बिका दिया। मेरे कान्हा ने तो इतनी कृपा मुझ पर करी है कि मुझे मोलो भाव बिका दिया, मेरे कान्हा ने तो इतनी कृपा करी है कि मेरा नाम गुनगुना दिया। मैं इस मालिक की कैसे रजा भूल जाऊँ, इसने मुझे पल पल साथ दिया, रजा रजा में साथ दिया। मैं आपको कितनी इसकी वो करूँ, मेरे को तो आप बस इसकी तारीफ़ करने के मेरे पास होठ नहीं है, मेरे पास वल्ट नहीं है ऐसे मैं बातें कर सकूँ इसकी। इसने सर मैं तो इतनी दीवानी हूँ मेरे मालिक की, मैं क्या बता सकती हूँ, ये तो दाता जाने। जागरण में भी हम देखते हैं, वृंदावन में भी हम देखते हैं कि किन्नर स्वरूप के लोग ही आपको नृत्य करते मिल जाएंगे। आपको हर चीज़ में जो है, जब भक्ति की बात आती है तो जो है गंधर्व समाज, जो किन्नर समाज है वो गंधर्व समाज बोला जाता था पहले, देवताओं से भी ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, तो ये समाज आपको आगे ही मिल जाएगा। लेकिन क्यों ऐसा इनके साथ में होता है कि कोई अच्छी जगह में इनको न्योता नहीं मिलता, इनको सामने से ही आना पड़ता है, ऐसा क्यों है? ये आप मानते हैं कि आपके समाज के साथ जो है आज की दृष्टि में भी समाज जो है भेदभाव करता है थोड़ा? देखिए ऐसा है, हमारे समाज को बदनाम कर रखा है, हमारे समाज को गंदा गंदा करके। नहीं तो हमारे समाज में धर्मी भी हैं, कर्मी भी हैं, छोटे भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, पर हमें बहुत से लोग, मेरे को जैसे मैं अब साधु हूँ तो अब मुझे नोता आता है, मुझे हर जगह बोला। जब मैं टोली घूमती थी या इलाके में जाती थी तो मैंने नोट कराया कि अपने भी घर के मुझे नहीं बुलाते थे, मुझे अपने भी लोग उनको कहते थे हाँ हाँ ठीक है, तो उनके यहाँ जाने का जी, लेकिन आगे से हमारे को जाना पड़ता था क्योंकि हमारा कर्म है, क्योंकि हमें मालिक ने वरदान दे रखा है, हमें बच्चे वालों के लिए दुआ करनी है। हमारा दुश्मन भी अगर कोई होगा तो हम उसके लिए भी दुआ करेंगे। आपने किन्नर समाज को देखा होगा, कोई मृत्यु का भोजन, कोई दुख का भोजन, ये किसी की मौत का भोजन नहीं खाते, नहीं कुछ लेते। हम तो खुशी को मांगते हैं, हम तो संसार को बसरा देखते हैं, हम तो संसार की भलाई के लिए जीते हैं, हम तो संसार की बधाइयों, बच्चों, बच्चे वालों के बच्चे जिए हैं, जोड़ियों की जोड़ी सलामत रहे, परिवार बने रहें, हम तो ये सुख शांति मेरे हिंदुस्तान में सुख शांति बनी रहे, या मेरे जो भी हैं मेरे संसार के भाई बंद, ये धरती पे जितने भी जीव हैं सब मेरे मालिक का अंश हैं, सब बने रहे, मैं तो इतना जानती हूँ, मेरी तो दिल से आशीर्वाद निकलता है। जय गुरु गोरखनाथ जी। और आप जैसे जो आपके समुदाय के हैं, जैसे किसी के घर में उन्हें महसूस होता है कि कोई अलग नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसके प्रभाव से कैसे बचा जाए, क्योंकि आपकी दुआओं में बहुत शक्ति होती है। जब किसी के घर में गलत आत्माएं होती है ना, और जब किन्नर ढोलक बजाते हैं और ताली मारते हैं, तो उनके घर के दुख तो ऐसे ही भाग जाते हैं और उनके घर की गलत चीजें चली जाती है। किन्नरों के पास आशीर्वाद है, देखो मंत्र जब करते कि फूलम पत्तम और परम श्यामी, जैसे पत्ता होता है उसको भी, और किन्नर समाज चावल जब छिड़कता है ना, उस चावल में लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी का वासा बताया है चावलों में, उनको जब पीला करते हैं तो उसमें गृहस्थ में लक्ष्मी का आवरण बताया है, तो इसलिए किन्नर समाज चावल कहते हैं ना, जच्चा बच्चा जीवना तेरे खेल लाए, खेल भाग यानी भाग बनाते हैं, और भाग बनाने वाले किन्नर होते हैं, चाहे वो किसी प्रकार दुआ है कैसे भी लग जाए, साधु सन्यासी की लग जाए, किन्नर समाज की लग जाए, दुआ है, और दुआ तो भगवान का इतिहास बदल सकती है जी। तो किसी के यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा हो तो इनका आपका आशीर्वाद भी। अच्छा वो एक प्रथा है कि एक अगर कोई किन्नर आपको एक का सिक्का दे दे तो वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, क्या? हाँ ये बात हकीकत है। वो बुधवार का दिन होना चाहिए, हरे मूंग लेके जाने चाहिए, हरे मूंग हरे हो जाने चाहिए, और जो हरे मूंग हो जाते हैं तो समझो उसके घर का संकट खत्म हो गया। पर होना चाहिए किन्नर, किन्नर के पास जाएँ और उससे एक रुपया लें, और एक रुपया लेकर और हरे मूंग के साथ अपने गले में रखें, तो आपके घर की बरकत बनी रहेगी, आपके आपके घर में ऊपरी पराई चीज़ें चली जाएंगी, और गलत आत्माएं हैं जो गलत चीज़ें सोच है सब हट जाएंगी, घर में आपके पता लग जाएगा सुख शांति कितने आने लग गई। देखो खुशबू के अंदर और बदबू के अंदर जैसा फ़र्क होता है ना, ऐसे दुआ और बददुआ में फ़र्क होता है, इसीलिए दुआ किन्नर देते हैं तो उसकी खुशबू महक दूर दूर तक फैलती है, जो सच्चाई है इसमें। आप जो है आप बता रहे थे कि भाई
आपके जीवन में भी कहीं ऐसे अनुभव हुए कि आपको भी नकारात्मक ऊर्जाएं कभी मिली हैं, आपको दिखी हैं कि हाँ मैं भूतों के घर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जी, तो फिर मैं उनके घर की दुआ करती हूँ, उनके घर में ताली मार के चावल छिड़कती हूँ तो भाग जाती है, और फिर मुझे वो खुद ही बोल देते आप आए थे, बड़ा सुख शांति मिला हमारे घर, हमें अच्छा लगता है, बस हम तो बच्चों वालों के बच्चे जी, सब परिवार बना रहे, सबका अच्छा लगता है। ये सब मेरे कान्हा की, मेरे लड्डू गोपाल की कृपा है सब किन्नरों पे, और मैं सब किन्नरों के लिए दुआ करती हूँ, सब मेरे भाई बने रहें, सब मेरी बहनें बनी रहें, और सब लड्डू गोपाल की सेवा। और जब मथुरा वृंदावन गए तो पता नहीं क्या ऊर्जा थी और पता नहीं क्या था, हमें बहुत रास्ते में रुकावट आई, पहले तो पेट में दर्द हो गया जी, फिर उल्टियाँ लग गई, फिर हमारी गाड़ी का टायर एकदम पंचर हो गया, और हमें बहुत रास्ते में रुकावट आई, एकदम सर भारी हो गया, फिर आखिरी में जब मैं परेशान हो गई तो मैंने अपने लड्डू गोपाल से विनती करी, लड्डू गोपाल मुझे, मैं यकीन मानिए मैंने जैसे लड्डू गोपाल से कहा, जैसे कि मैं एकदम ऐसे तंदुरुस्त हो गई, जैसे मेरे जितने हम गाड़ी में थे इतने हंसमुख हो गए, वो सफ़र मुझे आज भी याद है, उसके बाद इतना अच्छा आनंद में रहा, और हमने इतना आनंद लिया, हमने इतना आनंद लिया कि जैसे भगवान कृष्ण राधा रानी हमारे साथ है, और मतलब हमें तन्हा का बिल्कुल इतना आनंद आया, इतनी मैं कैसे तारीफ़ करूं, मुझे तारीफ़ करनी भी नहीं आ रही, इतनी मतलब विनती, इतनी मैं क्या बताऊं, और मैं कैसे दरबार पहुंच गई मुझे ये पता नहीं लगा, और मैं बस खींची चली गई उसके बाद मैं, तो मेरे लड्डू गोपाल की, और मेरे तो आप सबसे भी ये इच्छा है, आप लड्डू गोपाल को मान के तो देखो, आप जान के तो देखो लड्डू गोपाल को, आप इसकी लीला रच के तो देखो, आप स्वयं पता जाएंगे, क्या आपको पता लगेगा क्या पावर है लड्डू गोपाल। पाखंड बोलते हैं कहीं से कि छोटी सी एक मूर्ति है, ला के रख देते हैं, सुबह शाम उसको दूध देते हैं, पानी देते हैं, जो पाखंड बोलता है ना वो खुद पाखंडी है जी। वो दुनिया को लूटते हैं, वो दुनिया को चूतिया बनाते हैं, फिर मैं वैसे बोलूंगी किन्नर हूँ, गलत बोल सकती हूँ, पर ये पाखंड बात छोड़ दो, सत तो सत है, ये मेरा मालिक है ना, यही सत है, चाहे शब्द में जो पिंडे वो भरमंडे, जो भरमंडे सो पिंडे, मेरा मालिक अंदर समाया है, बाहर भी वही समाया है, जहान में उसकी रचना है, कन कन में डाल डाल पत्ते पत्ते पे उसका रूप है, आंख वालों देखो, दिल वालों सुनो, लेकिन जो आदमी नशेड़ी है, गंजेड़ी है, बुरे है, उनको तो सब पाखंड नजर आता है, वो पाखंडी है, वो खुद पाखंड है जी। तो वो खुद पाखंडी है, और जैसा कि आपको बताया मुकेश नाथ जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई आपको, और इन्होंने अपने जीवन का एक सब कुछ बता दिया, और आपसे बस यही जानना चाहता हूँ कि जो आपका किन्नर समाज है और वो पूजनीय है, उसकी अपेक्षा ना करें, आपको अगर कोई किन्नर अगर आपको दिखता है तो आप उसकी तहे दिल से उसका सम्मान करिए, उसे आप चाय को पूछिए, क्योंकि देखिए परमात्मा ने बनाया है, और परमात्मा को अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रिय है तो वो किन्नर समाज ही है, किन्नर समाज को ही भगवान ने सखा का एक रूप दिया है, तो किन्नर समाज एक धरोहर भी है हमारी सनातन संस्कृति की, और आपको जो ओरिजिनल है, जो कि परिपूर्ण जो किन्नर होते हैं वो आपको दिख जाएंगे, उनके भाषा कर बात करने के तरीके से आपको पता लग जाएगा, तो उनका सम्मान करिए, उनका उसी तरह से सम्मान करिए जैसे आप किसी मेहमान का सम्मान करते हैं अपने घर में, और निश्चित ही इसका फल प्राप्त होगा। लड्डू गोपाल को पूजोगे तो पता लग जाएगा जी, हाँ मैं पागल बाबा हूँ जी। तो इसी के साथ में मैं महाराज जी से प्रणाम करता हूं, और इसी के साथ में मैं इनके स्वास्थ्य की मनोकामनाएं करता हूं, और किन्नर समाज को भी मैं शत शत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, क्योंकि इनके आशीर्वाद से ही जो है काफ़ी कष्ट मिट जाते हैं, कई सारी विपदाएं हट जाती हैं। तो इसी के साथ में राधे 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 राधे।